हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे प्रखर वर्कबुक क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश की असेसमेंट नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इससे पहले हमने पेज नंबर 79 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देखे हैं, अब हम देखेंगे असेसमेंट नंबर 6 का सॉल्यूशन जो कि पेज नंबर 80 और 81 पर स्थित है। ठीक है, इस असेसमेंट में टोटल 4 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन पेज नंबर 80 पर दे रखे हैं और 1 क्वेश्चन दे रखा है आपका पेज नंबर 81 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है जॉइन दी सेंटेंसेस यूजिंग नाइदर नॉर। यहाँ यूज़ करना है हमें नाइदर नॉर का सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए। अगर इससे पहले कि आपने बख्शिश देख रखी है, उनके सॉल्यूशन देख रखे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि नाइदर नॉर का कैसे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है नन्नू डज नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ लास्ट जो सेंटेंसेस में है सेम है और जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग हैं, तो हम पहले यूज़ करेंगे नाइदर का। नाइदर नन्नू नॉर आई गो टू स्कूल, ना ही नन्नू और ना ही मैं जाते हैं स्कूल। ठीक है, सेकंड है माय सिस्टर डज नॉट टेक टी, शी डज नॉट टेक कॉफ़ी। यहाँ ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं जबकि जो सब्जेक्ट है वो सेम है, तो यहाँ यूज़ करेंगे माय सिस्टर नाइदर टेक्स टी नॉर कॉफ़ी। मेरी सिस्टर ना ही चाय लेती है ना ही कॉफ़ी। थर्ड है आई डू नॉट रीड स्टोरीज, आई डू नॉट राइट पोइम्स। यहाँ भी सब्जेक्ट सेम है तो यहाँ यूज़ करेंगे आई नाइदर रीड स्टोरीज नॉर राइट पोइम्स, ना ही मैं लिखती हूँ स्टोरीज ना ही पोइम्स। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है जॉइन दी सेंटेंसेस यूजिंग आइदर और। यहाँ हमें यूज़ करना है आइदर और का जॉइन करने के लिए सेंटेंसेस को। नाइदर नॉर का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए जबकि पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं आइदर और। फर्स्ट सेंटेंस है यू विल गेट अ बैट, यू विल गेट अ बैल बॉल। तो यहाँ सब्जेक्ट एक है तो यहाँ लिखेंगे यू विल आइदर गेट अ बैट और अ बॉल। सेकेंड है यू आर गोइंग टू गनोडा, आई एम गोइंग टू गनोडा। यहाँ लिखेंगे आइदर यू और आई एम गोइंग टू गनोडा। थर्ड है दृष्टि विल गो टू प्ले हॉकी, शी विल स्टे एट होम। यहाँ लिखेंगे दृष्टि विल आइदर गो टू प्ले हॉकी और स्टे एट होम। थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हुए करेक्ट सेंटेंसेस को फिल करना है जो भी ब्लैंक्स हैं उनमें। फर्स्ट है सचिन ब्लैंक प्लेयर फॉर इंडिया इज अ ग्रेट प्लेयर। सचिन जो खेलता है इंडिया के लिए एक ग्रेट प्लेयर है। हु होम हुज का यूज़ करना है तो यहाँ यूज़ करेंगे हु, सचिन के लिए लिखेंगे जो। सचिन जो खेलता है इंडिया के लिए अच्छा प्लेयर है। ठीक है, तो यहाँ हु का यूज़ करेंगे। सेकंड है आई नो सौम्या ब्लैंक बाइसिकल हैज़ बीन स्टोलन, हु होम हुज। मैं जानती हूँ या जानता हूँ सौम्या को जिसकी बाइसिकल चोरी हो गई है, तो यहाँ जिसकी के लिए यूज़ करेंगे हुज। आई नो सौम्या हुज बाइसिकल हैज़ बीन स्टोलन। थर्ड है ममता ब्लैंक यू सॉ इन द गार्डन इन माई सिस्टर, ममता मेरी जो, यहाँ यूज़ करना है हमें ममता हुम यू सॉ इन द गार्डन इज माई सिस्टर, हु हुम हुज। ममता तुमने देखा मेरी सिस्टर को गार्डन में। ठीक है, तो यहाँ यूज़ करेंगे हुम। ठीक है, ममता हुम यू सॉ इन द गार्डन इज माई सिस्टर, ममता जिसे तुमने गार्डन में देखा वह मेरी सिस्टर है। ठीक है, इसका अर्थ ये होगा। फोर्थ है माई फादर बॉट द हॉर्स ब्लैंक वॉन द रेस, विच हुम हुज। यहाँ यूज़ करेंगे विच, माई फादर बॉट दी हॉर्स विच वॉन दी रेस। फिफ्थ है दीक्षा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ब्लैंक रीड्स इन अवर क्लास, विच दैट हुम। यहाँ यूज़ करेंगे हुम, दीक्षा जो हमारी क्लास में
पढ़ती है, बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो यहाँ यूज़ करेंगे दीक्षा के लिए whom, दीक्षा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल whom रीड्स इन आवर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ हमें एक पैसेज दे रखा है, हमें इसे रीड करना है केयरफुली और इससे रिलेटेड दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पैराग्राफ है, रितेश वॉज अ फार्मर, ही हैड एन ओनली सन। वन डे ही वॉज कमिंग फ्रॉम हिज फील्ड, ही सॉ अ स्नेक ऑन द वे, ही बॉट इट होम, ही गेव इट सम मिल्क टू ड्रिंक। हिज सन वॉज प्लेइंग नियर द स्नेक, इट ट्राइड टू बाइट हिम, रितेश सॉ इट एंड किल द स्नेक विद अ स्टिक। तो इस तरह से पैराग्राफ था। अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड द फार्मर हैव। फार्मर के कितने चिल्ड्रन थे, यहाँ लिखा हुआ है ही हैड ओनली वन सन, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वन। सेकेंड है, वेयर वॉज रितेश कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहा था रितेश, यहाँ लिखेंगे हिज फील्ड्स, उसके खेत से। थर्ड है, वॉट डिड ही गिव द स्नेक टू ड्रिंक, स्नेक को उसने क्या दिया पीने के लिए, सम मिल्क, ठीक है। फोर्थ है, वॉट डिड द स्नेक ट्राई टू डू, स्नेक क्या करना चाहता था, ट्राई टू बाइट फार्मर सन, फार्मर का जो सन है उससे बाइट यानी खाना चाहता था। फिफ्थ है, हु किल्ड द स्नेक, स्नेक को किसने मारा, रितेश ने। तो ये था असेसमेंट नंबर 6 का सॉल्यूशन, जो कि आपके पेज नंबर 80 और 81 पर स्थित है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए थे, हमने प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं। इससे आगे और भी बख्शिश देखते रहेंगे, तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।